अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियल खुश आमदीद, वेलकम कहने के नाते अपनी गार्डन अपने काम के उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। रहो सजनों, दोस्तों, बेबियों, माओ भैनों ते बुजुर्गों, असी तुहाडे नाल एक अच्छी जी फिर खूबसूरत जी बड़ी प्यारी जी नवी जी सोहनी जी सुथरी जी वीडियो लैके आए हैं। तुसी इस तरह करना साडे चैनल सबसक्राइब करना, बैल आइकॉन दे बटन दबाना ताकि अच्छी जी तुहानू वैजीटेबल ते पोट प्लांट ते फ्लावर प्लांट ते एग्रीकल्चर ते इनडोर प्लांट ते आउटडोर प्लांट ते यानी कि किसी न किसी मामला तुहानू सोहनी जी सुथरी जी दोबारा फिर तुहाडी मुलाकात होए। अते उम्मीद करने कि सारे ठीक ठाक होंगे, सारे अपने अपने मामला मसरूफ होंगे, अल्लाह पाक सारे अपने हिस्से मान के रखे। तो अज असा गल करनी है गोभी, गोभी कि गल करनी है, गोभी जी बंद गोभी नहीं होती, सलाद गोभी जिन्होंने सलाद गोभी कहती है, जो फंक्शन के पत्ते वाली गोभी चलती है। अज असी उस प्लांट की गल करनी है कि वह बीज, वो पनीरी, वो टाइम, वह मौसम, तो वह प्लांट किस तरह का होंगे, वो वास्ते माहौल किस तरह का होंगे। असी अज आए हैं वो उत्ती जमीन च लाया हो, ठीक है, तो वो आके तुम व्यू विखाने इन शाला, कोशिश करने कि चंगा व्यू विखाया जाए। लो जी सजनो, यह साढ़े बंद गोभी के प्लांट ने, तो ये हले मुकम्मल तैयार नहीं हुई, ठीक है जी। यह साढ़े बंद गोभी के प्लांट ने, तो यह दो लगे हुए हैं, तो कि खूबसूरत लगे हुए हैं, तो कि प्यारा है, तो कि मामला ने, तो शमरम के कतरे इन्होंने उत्ते जमे हुए हैं, तो क्या बात, तो क्या कमाल, ठीक है जी। दोस्तों ये गोभी दूसरी गोभी के नाल ही लगती है, ये पत्ते वाली गोभी इन कहा जाता है, इस गोभी पत्ते वाली गोभी कहा जाता है, इस गोभी सलाद वाली गोभी भी कहा जाता है, इस गोभी ग्रीन गोभी भी कहा जाता है, इस गोभी चाइनीज़ गोभी भी कहा जाता है, इसी गोभी फार्मी गोभी भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा नाम लाए जाते हैं, मुख्तलिफ एरिए मुख्तलिफ लोग ये मुख्तलिफ नामों तो इन जानते हैं, ठीक है। ये होंगी है पत्ते वाली, तो सजनों जिमें जिमें इनू ज़्यादा फीड मिलनी है, ज़्यादा खुराक मिलनी है, ये बीज तो तैयार होंगे ने, बीज तो बाद प्लांट, बीज तो बाद प्लांट जोड़े ने अलहदा अलहदा करके, जिस तरह के आम पनीरिया के प्लांट अलहदा अलहदा किए जाते हैं, तो उस तरह ही यह भी एक बंद गोभी का प्लांट जोड़ा ना, यह भी इस तरह ही तैयार किया जाता है। यह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो बड़ा प्यारा प्लांट है। इस प्लांट की तकरीबन तकरीबन 40 दिन उम्र हूँ तक हुई है, कन्वल्डिंग दी, कन्वल्डिंग दी बार बार कह रहे हैं, दस रहे हैं, अच्छे अपने कोई व्यूवर्स नू, अपने वेखन वाले नू, मैं अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा कि जो इनू बीज लाया, बीज लाने तो बाद बीज बीज जो लाए गए, तो बीज 30 दिन की पनीरी हुई, 30 दिन की पनीरी हुई, तो फिर इनू वटा के उत्ते इस तरह खेलिया के उत्ते अच्छे अंदाज नाल इनू पनीरी नू शिफ्ट किया गया। लो जी दोस्तों, असी तुहानू कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अंदाज में विखाने की, इनू अच्छी वर्मी कंपोस्ट, इनू अच्छी पनीरी नू अच्छी खाद पाइए, अच्छी खुराक देंगे, क्योंकि थोड़ी उम्र से ज़्यादा जर्मीनेशन करेगी, थोड़ी उम्र से ज़्यादा प्लांट जो ने ज़्यादा निखार करेंगे, ज़्यादा इसकी फिटनेस होएगी, तो फिर ये ठीक होएगी। जो पकरोड़ हो गई तो ये पत्ते अंदरों हार्ड तो सख्त हो जाएंगे, जो ही अंदरों हार्ड तो सख्त होंगे, तो फिर ये खाने के काबिल भी नहीं रहेगी, सख्ती हो जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी कि इनू पानी की नमी है, वेखो खाली दे विच पानी की नमी होना ये वास्ते बहुत ही जरूरी है, तो इन्नी भी नमी ना हो कि चिक्कड़ ही ना इतों खत्म होए, ये वास्ते जमीन एक मैरा होना जरूरी है, मैरा जमीन होए, रेतली जमीन होए, जिदे विच पानी का ठहराव ना होए, जमीन का लैवल बराबर होए, तो खिलियां तो लगती है, खिलियां तो खिली किनू कहा जाता, जी मट्टी कट्ठिया करके एक वट बनाया जाता, एक बन्ना बनाया जाता, एक बॉर्डरी एक बार्डर बनाई जाती है, ठीक है। उन्हें खिलियां के उत्ते लगती है, पौधे का दरमियानी फासला तकरीबन 1.5 फुट होंगे, 18 इंच होंगे, तो पौधे की हाइट जी होंगी वो तकरीबन एड् वी होंगी कोई नहीं है, ठीक है जी। जिस तरह के मेरे कदमों के लगा हुआ पौधा, यदि हाइट यही है, तो फुल तैयार है, तो यू हूँ अच्छी खाद, अच्छा पानी, अच्छी वर्मी कंपोस्ट मिले, तो यदा फुल एडा वा होएगा, तो बड़ा प्यारा तो बड़ा खूबसूरत होएगा। तो होंगी ये गोभी हुई है, असी इन गोभी कहा जाता है, पत्ते वाली गोभी, सलाद वाली गोभी, अच्छी गोभी इनू कहा जाता है, ये ग्रीनरी है, तो यह भी इंसान की सेहत वास्ते बहुत ही हेल्दी, तो बड़ी प्यारी, तो बड़ी खूबसूरत तरीन सब्जी है।
तो जनाब देखो साडा कैमरामैन विखाने की कोशिश करेंगे कि लाइन के दूर तक कि सैटिंग कि खाल के उत्ते उत्ते उधर उधर दोनों साइडा से कि खूबसूरती तो कि प्यारे प्लांट लगे हुए हैं। तो सजनों ये बीज तो तैयार होंगी है, ऐसा कोई नहीं कि पत्तियां तो तैयार होए, ये प्लांट जोड़े ने इना दे उत्ते ही बंद गोभी है जो निसरना निसर के फुल आने ने निसरना अं उन्होंने कहने कि जो फली निकल आने जो फ्लावर आने ने जो इन्हें पक जाने पक के जो ही इस पौधे ने मैं हूँ थले बैठ जाना इस प्लांट के कोल बह के यदि गुफ्तगू असी करने जिस तरह कि यह प्लांट है इन्हें फुल तैयार होना यदि उम्र पक जानी है पकन तो बाद इन्हें सरसों के पौधे तरह वड्डिया होना वड्डिया हो गए तो इन लगने फुल फुल तो बाद इन सरसों की फली तरह की जिस तरह सरसों होंगी है साग वाली सरसों उस तरह ही उन्हें फली लगनी है। फली लगन तो बाद अंदर बीज होने वो बीज ने जाके चौथे महीने पकना है उ असी बीज सेफ करिए सेफ करके दसवें तो ग्यारहवें महीने जो बीज बीजे जाने क्यारी में हमार करके अच्छी वर्मी कंपोस्ट पा के अच्छी खाद खुराक पा के पानी की जगह के लैवल बिल्कुल बराबर दे करते हुए यदि पनीरी बीजी जाए जिदे पनीरी बीजी जाए तो पनीरी यदि होए कि एडी एडी एक इंची की एक इंची के पौधे होन तो उन्होंने पौद्या असी खिलियां बनाई जा अच्छी जगह से जमीन बनाई जाए और अच्छी वर्मी कंपोस्ट पाई जाए खाद पाई जाए यानी कि जमीन बहाल होना जरूरी है ये वास्ते क्यों कि ये थोड़े दिन ज़्यादा टाइम थोड़े टाइम ज़्यादा फैलाव करने वाली सब्जी होंगी है बंद गोभी ठीक है इन असी बंद गोभी कहा जाता सलाद गोभी कहा जाता तो फिर इन लाया जाए तो इन पानी दिता जाए तो फिर इन पहली गोडी जी देनी है 15 दिन तो पहला दी नहीं जानी तो फिर जो दूसरी गोड़ी देनी है फिर वो 15 दिन तो बाद देनी है फिर उन्होंने पानी भी देना है इस जगह को खुश्क नहीं होने देना तो जिनी जल्दी जिनी अच्छी खुराक पाई जाए उन्नी जल्दी तो उन्नी खूबसूरती तो उन्नी प्लांटेशन यदि बड़ी अच्छे अंदाज ना होएगी बड़ी खूबसूरती ना होएगी। तो यह तो मजीद भी विखाने यह देखो ना यह सख्ता हो गया यदा यह सख्त हो गया सख्त का मतलब ये कि ये अंदर वो गोभी के सलाद के पत्ते बंद हो गए हैं ज्यों ही यदि खुराक कम होनी है तो पत्ते खुलते जाने तो ये अंदरों फुल निकलना है तो फिर इन्हें अपनी हालत बंद गोभी तो बीज वाले पास लैके चला जाना यह पत्ते ये अच्छी खुराक नाल पत्ता पत्ते का फुल वड्डा होना है तो फिर ये सलाद गोभी तैयार होनी है तो इस तरह ये तैयार है इस टाइम ये तैयार है सलाद गोभी इस टाइम ये तैयार है बहुत ही अच्छे अंदाज ना सा कैमरामैन विखा रहा है तो जनाब क्या कमाल से क्या कुदरत दे नज़ारे ने क्या खूबसूरती है कुदरत दी हुण तुहानू विखाने आ असीं देसी गोभी का पत्ता जी कि आम चोरी होंगी है तो यह जो वो देसी गोभी जी पकाने वाली होंगी है घर के फुल वाली तो ये हले पत्ते नहीं है देखो ना कि खूबसूरती देसी गोभी मैं गमले च भी ला के तुहानू विखाई तो हले ये अंदर फुल नहीं बनया ए छोटा जहा फुल बनया जी ए ठीक है जी ए छोटा जहा फुल बनया ए वाला यह भी पत्तियां की हिफाजत है यानी कि हले मुकम्मल तैयार नहीं होया तो पत्ते किड्डे किड्डे वड्डे ने जिड्डे जिड्डे वड्डे पत्ते होणगे ना तो ओडी वड्डी इहदा फुल होएगा तो उन्ना ही ज़्यादा फैलाव करने वाले मामला होएगा ठीक है दोस्तों। यह देखो किड्डा वड्डा ही पौधा तैयार है इस तरह लगता कि ये अंदर बड़ा वड्डा फुल होना है पर नहीं हले ये अंदर फ्लावर जो ना बिल्कुल छोटा है फ्लावर हले तैयार नहीं हो सकिया तो जू ही इन्हें फ्लावर ने तैयार होना है तो दिनों ही तैयार होना है देखो ना ये अंदर पत्तियां दे गुच्छे बने हुए तो कि खूबसूरती तैयार हो रहे तो पत्ता देखो घट तो घट है 2.5 फुट लंबा पत्ता है तो घट तो घट है जरा 10 इंच 12 इंच चौड़ा पत्ता है यदा यह है आम देसी गोभी फुल गोभी जिन्हों कहा जाता है ठीक है जी ये भी इन्होंने लाई हुई है ये भी इतनी चलती पी है लो भी दोस्तों असी हुण उम्मीद करने कि तुहानू साडे किते होए काम नू तुसी लाइक किया होएगा तुहानू पसंद आया होएगा अज तुहानू असी वीडियो विखाई है बंद गोभी की जिन्हों असी बंद गोभी कहने सलाद गोभी कहा जाता है चाइनी गोभी कहा जाता है फार्मी गोभी कहा जाता है अज असी तुहानू उहदे तों एक खेत जाके बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरती नाल तुहानू वीडियो विखाई है कोई तसव्वुर ऐसा नहीं कि इंडिया चो आती है फलस्तीन चो आती है जर्मन चो आती है फ्रांस चो आती है साढ़े पाकिस्तान पंजाब दे विच रह के तुसी अपने घर भी ये प्लांट ला सकते हो मैं थोड़ी जी है बदहजमी सुबह सुबह नाश्ता कीता नाश्ता करते सार दिल किया कि दोस्तों मुलाकात करिए तो मुलाकात का बहाना अल्लाह ने दे दिता है
तो मिशन से साडा कि दोस्तों ग्रीनरी तो वाकफ कराने अच्छी जी ग्रीनरी तो अच्छे जे गार्डन तो अच्छे जे वैजिटेबल तो अच्छे जे प्लांट तो तुम वाकफ कराने तो वह असी मिशन पर पूरा पहुँच गए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोबारा जे अल्लाह ने तौफीक दिती मौका दिता तो फिर तुम खूबसूरत जी प्लांटेशन से वैजिटेबल से अच्छी जी खूबसूरत जी पोट प्लांट से मिशन यही है दोस्तों कि तुहाडे नाल डेली मुलाकात की जाए अच्छे अंदाज नाल की जाए तो टुटे फुटे लफ्ज़ों इग्नोर करिया करो टुटे फुटे लफ्ज़ों समझने की कोशिश करिया करो। जिहड़े साडे नाल नवे जुड़े हुए दोस्त ने उन्हां अगे यही इल्तजा है कि साडे चैनल सबसक्राइब कर बैल आइकॉन के बटन दबाउन दोस्तों नाल शेयर कर अगली वीडियो का इंतजार करो तो दोबारा इंशाल्लाह फिर छेती कोशिश करांगे फिर मुलाकात करन दी। ते सजनों वीडियो अपना ते अपने प्यारियां दा ख्याल रखना साढ़े हक अंदर दुआ करनी है अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे तो अल्लाह पाक सानू भी अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। जल्दी हुई फिर इंशाल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल दोबारा फिर मुलाकात होगी उन्नी देर तक दो फिर अपनी मेज़बानों इजाज़त अल्लाह पाक।